कुरवाई नगर के लगभग 100 वर्ष पुराने ऐतिहासिक मेला ग्राउंड स्थित खेल मैदान को बचाने की मुहिम में अब कांग्रेस पार्टी भी उतर पड़ी है। कांग्रेसी एवं शहर कांग्रेस कमेटी कुरवाई के नेतृत्व में आज नगर के बिना तिराहे पर भारी संख्या में कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों का कहना है कि कुरवाई में एकमात्र खेल मैदान है जो लगभग 100 वर्ष पूर्व रियासत काल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। वर्तमान में इस मैदान को सीएम राइज स्कूल के मानचित्र में लिया गया है। इस पर स्कूल के छात्रावास एवं क्वार्टर का निर्माण किया जा रहा है जिससे खेल मैदान का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि कुरवाई के एकमात्र खेल ग्राउंड को स्कूल के मानचित्र से अलग किया जाए, यथावत स्थिति में मैदान को सार्वजनिक किया जाए। कुरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। अभी कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या संदर्भ में दिया गया? कांग्रेस पार्टी जो कुरवाई में सीएम राइस स्कूल बन रहा है, कांग्रेस पार्टी सीएम राइस स्कूल का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन स्कूल के साथ जो उन्होंने खेल मैदान को अटैच कर लिया है, हम कांग्रेस पार्टी उसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि एक ही खेल मैदान है जो कुरवाई के बच्चों के लिए जो है और उसमें हॉस्टल आदि बनाने के लिए इन्होंने अटैच किया है, तो हम लोग इसका कुरवाई से लेकर विदिशा तक भोपाल तक इसका विरोध करें। तो आप क्या चाहते हैं कि स्कूल के नक्शे से ग्राउंड को अलग कर दिया जाए? हाँ, स्कूल के नक्शे से ग्राउंड को अलग कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।